गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धनकुड़िया प्रखंड में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है। बता दें कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई एक भी ईंटें समूची नहीं है। टुकड़े ईंट से बनाए गए इस पीसीसी की जांच पहले मेहरमा वीडियो करने आए, फिर भी सड़क बनने में भारी अनियमितता बरती गई। लोगों का आरोप है कि सभी की मिली भगत से ऐसा सड़क बना है। वहीं इस बीच ठेकेदार संजीव यादव का कहना है कि विधायक मत से 2 लाख रुपए के सड़क निर्माण का कार्य आया था, जिसे सही तरीके से बनाया गया है और गांव वालों द्वारा आपसी जलन के कारण उसे फंसाया जा रहा है। नाम क्या हुआ? सिरला जादा। कितना दिन पहले ढलाई हुआ है? 2 दिन हो गया। दो दिन ये आप लोग ये जो इतना खराब ढलाई किया है, इसके लिए आपको बोले ना किसी को? बोले सर, बारिश हुआ तो क्या करे, बारिश हुआ है ना। बारिश हुआ है तो बारिश होते रात क्या करेगा, तो मतलब बारिश में ढाल दिया तो इतना अथी नहीं था लिफाफा के झांपते हैं। नीचे जो ईट जो चला है वो कैसे पट है या खड़ा है? हम देखे नहीं है सर। आपका घर नहीं है इस जगह? नहीं, बाहर ही है। तो ये 2 दिन में सड़क का ऐसा स्थिति है। हाँ, तो आगे कितना दिन चलेगा? अब ये कितना दिन चलेगा तो क्या बता सकते हैं हम। हमारा दो तीन है ना, नहीं बता रहे। कौन है ठेकेदार इसका? संजीव है। संजीव क्या किसके? समीर है। समीर है। समीर ठेकेदार। कौन? संजीव। हाँ, संजीव है। तो बोर्ड भी नहीं लगा है? बोर्ड तो आज लगाएगा सर, बारिश हुआ कैसे लगाएगा, आज लगाएगा खेल है। तो मतलब जब ढलाई हो जाने के बाद बोर्ड लगता है? नहीं नहीं, वो हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग को पता नहीं था सर, क्या करें। वो तो ठेकेदार को पता होना चाहिए ना सर, हम लोग क्या पता। कौन सा फंड से है ये पता नहीं सकता, ये भी नहीं बता सकता। नाम क्या हुआ? संजीव यादव। संजीव यादव। कितना दिन पहले ढलाई की है इसको? ढलाई 3-4 दिन पहले हुई है। तो कितना का प्रकलित राशि है इसका? 2 लाख रुपया है। 2 लाख। तो बोर्ड अभी तक नहीं लगा इसमें? बोर्ड तो अभी तो काम चलिए रहा है। काम चलिए रहा है, यहाँ पर पानी बीच में है तो आने जाने का बहुत परेशानी हो रहा है। या फिर ठेकेदारी लिए हैं इनका? ठेकेदारी ये तो विभागीय काम है, विधायक जी का अथी है। विधायक जी का है तब तो। ये इतना अभी 2 दिन नहीं हुआ है, सड़क खराब हो चुका है। खराब काम हुआ है इसमें बारिश हो गया है। बारिश तो बारिश में रोक देना चाहिए ना। बारिश में रुका हुआ था, अब फिनिशिंग इनका होगा ना, मतलब अब दोबारा फिर से होगा ढलाई। फिनिशिंग ढलाई नहीं, फिनिशिंग होगा। फिनिशिंग अभी बाकी, बारिश होने के बाद थोड़ा सा उजड़ता ही है। ऐसा बात है। हाँ। ये ठीक। नीचे जो ईट जो दिए है ये खड़ा ईट है या खड़ा ईट है? उनको जो इसमें जो है उसमें पूरा कीचड़ था। हाँ। कीचड़ को ठीक करने के लिए उसमें जो है बहुत तरह का मटेरियल दे के उसको ठीक करके बनाया गया है। तो हम तो अभी कुछ चैनल द्वारा चलाया गया कि इसमें मतलब सूता हुआ ईट है। वो सामाजिक तत्व है गांव का, वो सामाजिक तत्व है, कोई चैनल नहीं है। कोई चैनल से वो सामाजिक तत्व ऐसा काम बरगला के ग्रामीणों के साथ करवा रहा है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? गांव के आदमी से पूछिए, विकास हुआ है बढ़िया हुआ है कि खराब हुआ है, सब लड़का से पूछिए आप, यह काम अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है, ग्रामीणों से पूछिए आप। लेकिन अभी जो हम प्रेजेंट है यहाँ पे, अभी सड़क देख रहे हैं, वो उधर पोखर में जा रहा है, गिर रहा है, वो अभी छर्री दिख रहा है। छर्री दिख नहीं रहा है, बारिश जब होता है काम करने वक्त ऑटोमेटिक। तो बारिश में साहब रोक देना चाहिए ना आपको। वो इतना बारिश होने लगा तो आप समझिए रहे सर कि देहात में क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे बन रहा है। राशि इसका निकल गया है? नहीं, अभी राशि को निकला है। तो बोर्ड का है, कितना दिन बाद लगाइएगा? सब चीज लगेगा, इसको फिनिशिंग होगा तब ना सर। तो बोर्ड लगने का नियम है कि आपका जिधर का फाइनल मतलब डिसीजन आ गया कि यहाँ बनना है तो उस जगह तो बोर्ड लगना सुनिश्चित है। अभी फिनिशिंग इसमें बाकी है सर, बोल रहे हैं कि इसमें फिनिशिंग बाकी है। फिनिशिंग सब चीज होगा, विभागीय सब उद्घाटन होगा, सब चीज होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। टेकरीवाल ट्रैक्टर्स आपके लिए लेकर आया है खास ऑफर्स, कम ब्याज दर पर फाइनेंस की सुविधा। अपना पुराना ट्रैक्टर लाएं और नया ले जाएं। झारखंड में हमारे गुड्डा, पाकुड़, बरहड़वा, मेहरमा, गिरिडीह, राजधनवार के टेकरीवाल ट्रैक्टर शोरूम में सुविधा उपलब्ध है। साथ ही टेकरीवाल ट्रैक्टर्स नौकरी के सुनहरे अवसर दे रहा है। टेकरीवाल ट्रैक्टर्स को अच्छे सेल्समैन की आवश्यकता है, योग्य व्यक्ति अपने नजदीकी शोरूम में संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।